सब्सक्राइब कीजिए नो इन शॉर्ट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीएचसीपी के ऊपर, मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के ऊपर। इस वीडियो को मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके उतना सिंपल करें ताकि कोई अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हो तभी वो डीएचसीपी के ऊपर कुछ आइडिया लगा पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डीएचसीपी। डीएचसीपी का मीनिंग है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब ये एक नेटवर्क में आपको क्विकली एंड ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस डिफरेंट डिवाइस को असाइन करने में हेल्प करता है। हम जब भी कोई डिवाइस किसी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो उस नेटवर्क में उस डिवाइस को एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। अगर मैं अपने लैपटॉप को या मोबाइल को किसी एक नेटवर्क में कनेक्ट करूँगा तो उस नेटवर्क में उस दोनों डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाएगा और उसी आईपी एड्रेस के द्वारा वो डिवाइस उस नेटवर्क में आइडेंटिफाई होगा। मतलब मैं अगर इंटरनेट में कुछ काम कर रहा हूँ या फिर किसी साइट को सर्च कर रहा हूँ तो जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा तो उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे ही उसी को रेस्पॉन्स मिलेगा और उसी आईपी एड्रेस के द्वारा वो रेस्पॉन्स इस डिवाइस तक आएगा और मैं उसको व्यू कर पाऊंगा। जब भी कोई डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्ट होने जाएगा तो वो डिवाइस एक रिक्वेस्ट अपने राउटर को भेजेगा और राउटर डीएचसीपी के हेल्प से देखेगा कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस अवेलेबल है और उस अवेलेबल आईपी एड्रेस से एक आईपी एड्रेस उस डिवाइस को देगा और वो डिवाइस उस नेटवर्क में कनेक्ट होगा। बट ये असाइनमेंट तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। देन डीएचसीपी का पर्टिकुलर यूज़ क्या है? अगर घर में अगर एक राउटर में आप डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आपके पास डिवाइसेस जो है वो लिमिटेड डिवाइसेस है। लेट्स से आप 4 and 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, उस केस में आप मैनुअली असाइन कर सकते हो। बट आप इमेजिन कीजिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, लैपटॉप्स होंगे, प्रिंटर्स होंगे, देन आपके मोबाइल्स होंगे, तो इतने सारे डिवाइसेस को अलग अलग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना मैनुअली इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगा तो आप मैनुअली हर एक आईपी एड्रेस को आपको देखना होगा कि कौन सा आईपी एड्रेस अवेलेबल है नहीं है, एंड जब आप पता लगाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसके बाद आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे, जो कि आपका फिजिबल नहीं है एंड कन्वीनियंट भी नहीं है। इस केस में अगर डीएचसीपी आप यूज़ करते हो तो आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजोगे वो क्विकली असाइन करके तुरंत उस डिवाइस को उस नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता है। वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमको पता भी नहीं चलता। तो डीएचसीपी का मेजर फंक्शन यही है। आप बात करते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं एंड कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। डीएचसीपी का फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि मैन्युअली आप जब करोगे तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और डीएचसीपी के द्वारा अगर करते हो तो वो क्विकली कर सकता है और इजीली वो मैनेज कर सकता है डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को। दूसरा मेजर एडवांटेज यही है कि लेट्स से आपके पास जो अवेलेबल आईपी एड्रेस है वो 20 है, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप मैक्सिमम 20 डिवाइसेस को ही कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है कि एक डिवाइस कंटिन्यूसली एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब अपने लैपटॉप को ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो हम उसको कंटिन्यूसली कनेक्ट नहीं करते, किसी एक मोमेंट के लिए हम कुछ एक सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर डिसकनेक्ट हो जाते हैं। जब हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो मेरा पीसी का या फिर मेरे डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो फ्री हो जाता है और उस पर्टिकुलर मोमेंट में दूसरा डिवाइस जो उस नेटवर्क में ढूंढा जाता है तो उसको वो आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। तो डीएचसीपी होने के कारण जब भी डिवाइस डिसकनेक्ट होगा वो आईपी एड्रेस फ्री हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे डिवाइसेस को दिया जा सकता है। वही अगर आप मैनुअली करोगे, जब भी डिवाइस डिसकनेक्ट होगा तो वो मैनुअली आपको वो आईपी एड्रेस दूसरे डिवाइस को असाइन करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह से डीएचसीपी के द्वारा आप कम आईपी एड्रेस लेके ज़्यादा डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि डिसएडवांटेज के बारे में। मेजर डिसएडवांटेज यही है कि जब आप ऑफिस में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डीएचसीपी का यूज़ करते हो तो बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया या फिर कोई एक सर्वर हो गया जिसको आप कंटिन्यूसली कनेक्ट करना चाहते हो, तब अगर डीएचसीपी का यूज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस जब भी वो डिवाइस या प्रिंटर आप डिसकनेक्ट करोगे तो दूसरी बार जब कनेक्ट करोगे तो उसका आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा। इस ऐसे होने से प्रॉब्लम यही होगा कि दूसरे डिवाइसेस, सपोज आप लैपटॉप से उस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हो तो उस लैपटॉप में आपने उस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, जब उस प्रिंटर का आईपी एड्रेस कंटिन्यूसली चेंज होगा तब आप इस डिवाइस से उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आप प्रिंटिंग का यूज़ नहीं कर पाओगे। बट उसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो? आपको उस प्रिंटर को या फिर उस सर्वर को एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देना होगा जो कि फिक्स रहे, और उसके बाद आप अपने डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर लो और वही आईपी एड्रेस के द्वारा उस प्रिंटर को या फिर उस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। डीएचसीपी के ऊपर बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डीएचसीपी के ऊपर कुछ आइडिया लगा होगा। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक करें, मेरे अलग अलग वीडियोज़ को देखें
उसमें भी आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिल जाएंगे। अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं मिलता हूँ एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।